गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेप्रिसिएशन के आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 7 तक अगर टीएस ग्रेवाल बुक का देखते हैं तो बस समझेंगे अभी इन क्वेश्चंस को, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीन परचेस, कितने की मशीन परचेस करी है? 5,000 की। स्क्रैप वैल्यू को आप सेल वैल्यू भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? सेल वैल्यू, जो कितनी दे रखी आपको? 5,000। और असेट की साल, कितनी साल तक जीवित रह सकता है असेट? 10 साल। अब इसकी असेट की वैल्यू जो दे रखी है, मतलब कितने साल तक ये असेट चलेगा? 10 साल तक के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करना है, कर देंगे भाई। और मशीन को सोल्ड कितने का किया हुआ है हमने? 6,000 का। कब किया है? 2024 में। कैलकुलेट द फॉलोइंग, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ एंडेड 31 मार्च 2018। यानी एक साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। कब थे आप, कहाँ पे खड़े थे आप, और आप डेप्रिसिएशन किसका पूछ रही है? अगर रेट नहीं दिया जाता, रेट नहीं दिया जाता तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हो गए। अब और क्या कहते हैं, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? 1,05,000। सोल्ड कितने का करा आपने? स्क्रैप वैल्यू 5,000। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो कितना आंसर आया? 10,000। यानी एक साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल का 30,000। ये एक ईयर का डेप्रिसिएशन है, कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है। दूसरा, 2022 के बाद बुक वैल्यू पूछ रहा है। अभी आप खड़े कहाँ पे हो? 2017 पे। 17 से 18 एक साल, 18 से 19 दो साल, 19 से 20 तीन साल, 20 से 21 चार साल, और कौन सी तारीख को पूछ रहा है? ये 2022 की। 21 से 22 एक साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 10,000 ही आएगा, क्योंकि SLM मेथड है। SLM मेथड में एक बार डेप्रिसिएशन जो निकल गया पूरी साल का, वो हमेशा वही रहता है। तो 10,000 50,000 आ गया आंसर। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? टोटल डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1,00,000, और टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? कितनी बची? 55,000। ये आपकी बुक वैल्यू है आफ्टर 5 ईयर। कौन सी तारीख को होगी? 31 मार्च 2022 को। आया या नहीं आया समझ में? आ गया, आखिरी चेक करके देखते हैं। यही दो क्वेश्चंस पूछे थे हमने, ये कर दिया। अब ये बोल रहा है 2024 को, 31 मार्च 2024 को बेच दी, 31 मार्च 2024 को बेच दी। तो अब मैं चेक करता हूँ, अब मैं इसके आगे और कंटिन्यूएशन में लेके जाता हूँ। बाईस से 23, 23 से 24, इनकी भी 10,000 ही होंगी, हाँ या ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 70,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, हाँ या ना? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है? टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? कितना बचा? फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस बुक वैल्यू विल गिव यू प्रॉफिट और यहाँ पे आंसर प्लस में दे रखा है। किस में दे रखा है? यानी गेन हुआ है, कितने रुपए का गेन हुआ है? नहीं, फाइंड आउट गेन और प्रॉफिट है, सॉरी, गेन और प्रॉफिट। सेल हमें कितने की दे रखी है? 5,000 रुपए की। कैसे भैया, आपको कैसे पता? स्क्रैप वैल्यू आपकी सेल वैल्यू होती है। नहीं नहीं नहीं, दो मिनट रुको। सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सॉरी, 6,000 की सोल्ड कर दी 24 तारीख को। और अगर पूरी 10 साल के बाद अगर उसको सेल करती तो उसकी क्या वैल्यू मिलती? पर 10 साल से पहले ही भेजी तो कितने रुपए मिले? 6,000। तो सेल वैल्यू 6,000, बुक वैल्यू 35,000, 29,000 का आपका क्या निकल गया? लॉस।
इतना ही था बस करना, और कुछ नहीं था। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 को और कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 13 करेंगे फिर, ठीक है। 13 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टीएस ग्रेवाल बुक का ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको और चेक करते हैं इसमें क्या हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप चेक करें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, 1 अप्रैल 2023 को एक मशीन परचेज करी गई, सेकेंड हैंड मशीन। अरे भैया सेकेंड हैंड हुई तो क्या हुआ, आपके लिए तो फर्स्ट हैंड ही है कोई चीज़, आपने तो दूसरे के लिए सेकेंड हैंड हुई ना, आपके लिए तो नहीं हुई। हुई सेकेंड हैंड बोले, थर्ड हैंड बोले, कोई दिक्कत नहीं होती, इसको पहली मशीन ही मानेंगे, ठीक है। अब वो मशीन आपने कितने रुपए की खरीदी, और सेम डेट पे ही चेक करो, 1 अप्रैल को उस मशीन पे आपने कितने रुपए लगा दिए। तो यानी 1 अप्रैल को टोटल मशीन जो खरीदी गई है वो कितने की खरीदी गई है। समझ में आ गया नहीं आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना। 30 सितंबर 2023 यानी सेम ईयर को एक और मशीन खरीदी गई 20, और उसके ऊपर भी पैसा खर्च किया गया है 31 दिसंबर 2023 को, रिपेयर एंड रिन्यूअल मशीन एक्सपेंस। तो ये जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। आप कोई मशीन खरीदते हो और उसके ऊपर कोई खर्चा होता है और उसी दिन खर्चा हो जाता है तो वो तो जुड़ता है, बट जैसे रिपेयर और रिन्यूअल ऐसे जो खर्चे होते हैं जो समय के बाद होते हैं, ये मशीन में नहीं जुड़ते, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और रिपेयर एंड रिन्यू दिखता है और डेट बहुत फ़र्क दिख रही है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको क्या मानना है, ये है ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है ही नहीं। अब क्या बचा आपके क्वेश्चन में, 10% कौन सा मेथड, SLF। और कितने कितने ईयर का अकाउंट बना रहा है, आपने 1 अप्रैल 2023 को खरीदी है, 31 मार्च 2024 तक का अकाउंट बना रहा है, यानी एक साल का अकाउंट बना रहा है। तो ये तो बहुत ईजी से बना देंगे हम लोग, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, 1 अप्रैल 2023, वाह, टू बैंक 50,000, भैया 50 नहीं 40 आएगा, मैंने कहा 40 आएगा मूर्खो, प्लीज़ चेक करके देखो, स्पेंड भी किया हुआ है, उस पर खर्चा करा गया, उसी दिन खर्चा गया है, 40 + 10 = 50,000। और फिर तुरंत ही 30 सितंबर को एक और मशीनरी खरीदी, टू बैंक 20 की, मैं बोलूँगा 23 लिखना है, आप बोलोगे नहीं 20 लिखना है, फिर डिबेट होगी क्यों, क्योंकि भैया पहले वाले में तो प्लस कर दिया, दूसरे वाले में प्लस क्यों नहीं कर रहे, रिन्यूएबल और ऐसे एक्सपेंसेस, रिन्यूएबल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। और अगर आप हिंट में भी चेक करो तो उसमें लिखा हुआ था अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर एंड रिन्यूएबल ऑफ मशीनरी ऑन 31 दिसंबर 2023 इज अ रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू मतलब ये जुड़ता नहीं है, बस नॉर्मल इतना मान के चलो, कितना आएगा 20,000 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन 1 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन 2, बस खत्म बात। 50,000 का 10% 5,000 होता है, 5% ही ना, 10% ही ना पूरी साल का। 20,000 का 10% 2,000 होता है आधी साल के लिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 30 सितंबर के बाद अक्टूबर आता है ना, पूरी साल तो चली नहीं, आधी साल ही चली है, डेट चेक कर लो। ये कितना आएगा 1,000। भैया ने बताया था बहुत अच्छा तरीका, ईजी तरीका क्या होता है, कोई बताएगा इसका बैलेंस सीडी कैलकुलेट करने का, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लिख लो पहले, और बाय बैलेंस कैरी डाउन जितनी मशीन उतने बैलेंस लिख दो। अब पहला बैलेंस निकालने के लिए 1 को 1 से माइनस कर दो, बैंक को डेप्रिसिएशन से, मान लो 50 में 5 गए 45 बचे, 20 को 20 में 1 गया तो कितने बचे 19। और आपसे पूछा गया, अगर आपसे बस एक ही चीज़ पूछी गई, भाई बैलेंस बताओ मशीन अकाउंट का पहले ईयर का, तो जितने भी बैलेंस सीडी दे रखे उन सबको जोड़ देना, वही आंसर होता है। तो अभी आपके आपके बुक के हिसाब से आंसर ये नहीं है, मैं अभी जो बता रहा हूँ, प्लीज़ को पहले ट्रोलिंग कर लें, कितनी आई इसकी 70,000। आपके पेपर के हिसाब से आंसर ये नहीं है, आपके पेपर के हिसाब से जो आंसर है वो ये और ये है, ध्यान रखिए। My balance 2 समझ में आ गया।
इतना ही था और कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अगर क्वेश्चंस को अगर हमने अब देखें तो टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन का क्लास वो क्वेश्चन नंबर 12th वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले 12th करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं ये किस तरीके का फुल फ्लैच क्वेश्चन है। आपने ऑन 1 अप्रैल 2020 एक मशीन खरीदी, 1 अप्रैल 2010 एक मशीन खरीदी, आगे बढ़े। उसी साल आपने एक और मशीनरी खरीदी, कितने रुपए की? 50,000 की। कितनी मशीन हो गई टोटल? अगले साल आपने एक और मशीनरी खरीदी, 3 हो गई। और अगले के अगले साल आपने एक मशीनरी को बेच दिया, 2 हो गई। बस इतना ही क्वेश्चन है, यानी 3 मशीन खरीदी और एक मशीन बेची। तो प्लीज़ चेक करते हैं हम लोग, पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट सब लोग ऐसे बना लें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम स्क्रीन पे देखें तो पहली मशीनरी 1 अप्रैल 2010 मशीन परचेज 1,20,000, इसको 1,20,000 को लिखते हैं। 1 अप्रैल 2010 2 बैंक 1 कितने रुपए की? 1,20,000। फिर सेम ईयर में ही एक और मशीनरी खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2010 50,000 की। 1 अक्टूबर 2010 2 बैंक 2 कितने रुपए की? 50,000 की। फिर मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ा, ऑन 1 जुलाई 2011 ये जुलाई 11 अगले साल आएगी तो इस साल नहीं आएगी, तो अब रुक जाते हैं क्वेश्चन के लिए, खत्म करते हैं। 10% SLM और कुछ किया नहीं इस बार, तो 31 मार्च 11 समझ में आ गया ना, इतने सारे क्यों लिख रहा हूँ मैं? वेरी गुड। बाय डेप्रिसिएशन 1 ये तो पूरी साल लगेगा क्योंकि अप्रैल से है, तो 12,000 इस पे आधी साल लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन 2 एक साल का 5,000 होगा, आधी साल का 2,500। इतनी तेज कैसे कर लिया, 5,000 का 10% निकाला, 5,000 आया और उसके साफ कर दिया। और बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालते हैं हम लोग? 1 का 1 से माइनस कर दें, 2 का 1,47,500। हाँ ज़्यादा पढ़ लिए ये। इतना क्वेश्चन इजी था ना ये? डन, आगे। 1 अप्रैल 2011 इन दोनों बैलेंस को निकालेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 108,000 47,500। और इसी साल आपने एक और मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई 2011 को, 2 बैंक 3 टोटल मशीन कितनी होगी आपके पास? 3। कितने की खरीदी? 25,000 की। आगे चेक करते हैं बेचना कब हुआ मशीन्स का। आगे ऑन 1 जनवरी 2013 यानी इस साल तो बेचा है ही नहीं है। 31 मार्च 2012 ध्यान रखना परेशान होने के लिए, अब केवल इस क्वेश्चन में ही परेशान हो गया और ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं हो गया क्योंकि ये बहुत बार बनाना पड़ेगा आपको पहले। 31 मार्च 12 टू अवॉइड द प्रॉब्लम हम ऐसे काम करने पड़ेंगे। बाय डेप्रिसिएशन 1 पूरी साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 12,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे। बाय डेप्रिसिएशन 2 इस साल भी पूरी साल का लगेगा 50,000 का, पूरी साल का कितना होता है? 5,000।
बाय डेप्रिसिएशन 3 नई मशीनरी खरीदी है, इसका 9 महीने का निकलेगा, वो कितना निकलेगा 2500 और 3 by 9 by 12 3 by 4 2500 का आधा करा, 2500 का नहीं आधा कर पाऊँगा। बाय डेप्रिसिएशन 3 1875, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 को 1 से माइनस करें, 108000 को 1 लाख, वो 108000 को 12000 से माइनस करें तो 6000 और कितना है 96। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 42500, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 कितना हुआ 23125, ठीक है। टोटलिंग हमें जो डेबिट साइड ही कर लेनी चाहिए 1 8 0 7 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 1 8 0 5 0 0. Now if you look to the question, April 1, 2012 two balance brought down 1 2 3, आप ये बैलेंसेस लिखेंगे, $96,000 4 2 5 0 0 2 3 1 2 5। अब क्वेश्चन किस तरीके से टफ हुआ है प्लीज चेक करें। क्वेश्चन में बोला गया ऑन 1 January 2013 यानी 9 मंथ्स बाद, इस थर्ड ईयर जब चालू हुई थी उसके 9 मंथ्स बाद, मैंने एक मशीन जिसकी वैल्यू कितने रुपए की थी 20,000 रुपए की खरीदी हुई, उसको बेच दिया, कितने में बेच दिया। पर ये मशीन तुम पूरे क्वेश्चन में चेक करो, कोई 20,000 की मशीन खरीदी थी, ये 1,20,000 की, ये 25 की, ये कितने की 50 की। यहाँ पे 1,20,000 रुपये वाली मशीन है, 25,000 की मशीन है और 50,000 की मशीन है, बट 20,000 की कोई मशीनरी नहीं है, वो उसी को बेचा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि बेचा तो गया है पर ये मशीन जो थी 20,000 रुपये की, ये 1,20,000 रुपये के अंदर ही मिली हुई है। चेक करके देखो, आप दोबारा से पूरी लाइन पढ़ते हैं ढंग से, फिर समझ में आएगा। लाइन्स को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है ना, थोड़ा सा समझते हैं। ऑन 1 January 2013 अ मशीन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू 20,000 विच वॉज इंक्लूडेड, मतलब ये किसके अंदर इंक्लूडेड थी, मशीन परचेज ऑन 1 April 2010, 1 April 2010 को तो यही मशीन खरीदी गई थी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मशीन कुछ इस तरीके से नहीं हो गई, 1,20,000 रुपये मशीन थी, इसमें इसका पार्ट एक जो पार्ट था वो 20,000 का था और जो सेकंड पार्ट था वो कितने का था, इसमें से कौन सा वाला पार्ट बेच दिया और ये वाला पार्ट अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, ये वाला पार्ट मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। क्वेश्चन में बस यहीं पे एक ट्विस्ट आ गया और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इजी बनाने के लिए मुझे पूरा रब करना पड़ेगा, बट अभी मैं टफ पार्ट पढ़ा देता हूँ, उसको टफ करके चलते हैं, ठीक है ना। 2 मिनट अंदाज लगा के चलते हैं बस, अंदाज कि अगर मैं 1,20,000 वाली मशीन को मैं 1,00,000 लिख दूं, 1,00,000 लिख दूं और यहाँ पे कितने लिख दूं 20,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा तो इस पर 10,000 लगेगा, हाँ या ना, और इस पर कितना लगेगा 10% डेप्रिसिएशन है ना, टोटल 12,000 ही लगाया हुआ डेप्रिसिएशन, चेक करो। अब उन डेप्रिसिएशन को भी मैंने तोड़ दिया है, अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, कोई बात नहीं। सेकंड ईयर में 10,000, ये मशीन कितने की बची और ये मशीन कितने की बची 16,000। पहली 2 ईयर ही डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, चेक करो। और इस मशीन का बैलेंस आफ्टर 2 ईयर कितना आ रहा था, और चेक करो इधर भी 96 ही आ रहा होगा, 80,000 और 16,000,
96 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आसानी क्या हो जाएगी, मैंने दोनों मशीन को पहले से डिवाइड कर दिया है। अब ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपकी 1 अप्रैल 2012 को दे रखी है, हाँ है ना, 2012 है ना, हाँ ठीक है, 1 अप्रैल 2012 ठीक है ना। और इनमें से कौन सा पार्ट बेचा गया, ये वाला या ये वाला, सेकंड वाला पार्ट बेचा गया। और ये कब बेच दिया आपने, 1 जनवरी 2000। और ये वाला पार्ट बेचा, बेचोगे या नहीं बेचोगे, ये वाला पार्ट तो नहीं बेचोगे। तो यहाँ पे अब दो डेप्रिसिएशन निकलेंगे, इस पे तो 9 मंथ्स का निकलेगा और इस पे कितने मंथ्स का निकलेगा, 12 मंथ्स का, समझ में है। चेक करते हैं 9 मंथ्स का कैसे निकलेगा, 20,000 का, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी, 10% इंटू 9/12, 2000 × 3/4 1500, ठीक है ना, 1500 आ गया। 16,000 में से 1500 गए तो कितने बचे, 14,000। ये मेरी बुक वैल्यू है एक तरीके की, क्या है मेरी, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ध्यान रखना, घबराना मत। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये सेल कर दिया तो ओरिजिनल कॉस्ट मेरी इस मशीन की कितनी थी, बुक वैल्यू वैसे मैंने 14,500 निकाल दी, बट अपने तरीके से निकालें तो हर साल के डेप्रिसिएशन को प्लस करें, हर साल डेप्रिसिएशन कितना निकला था, 2000 2000, और इस साल कितना निकला है, तो इन सबको टोटल करेंगे तो कितना हुआ, 5500, और माइनस करेंगे तो कितना आया, ये मेरी क्या है, सेल माइनस बुक वैल्यू। सेल कितने की करी है मैंने, सेल कितने की करी है मैंने, 6000 की। बुक वैल्यू कितने की थी, कितने का नुकसान हो गया, प्लीज़ आप इसको उतार लें, पहले इस वर्किंग नोट को उतार लें। अब इस जगह पे चेक करें, 31 मार्च 2013 को इस वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1,10,000, ये तो पूरे साल चली है ना, 70,000 इसकी वो आ गई। अब थोड़ा सा इसको करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, पोर्ट्रेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप 1 जनवरी 2013 बाय डेप्रिसिएशन 1 लिख के सोल्ड कर देना, 1 लिख के सोल्ड मशीन, 1 का ही तो डेप्रिसिएशन है, उसका कितना डेप्रिसिएशन निकाला हमने, 1500 रुपये। ये मशीनरी कितने में बेच दी बेटा मैंने, बाई बैंक 6000। इस मशीन पे कितना लॉस हुआ बेटा मेरे को, 8500, और कुछ नहीं करना, बजना खत्म हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो मशीन बची है उन पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब मशीन कौन कौन सी बची है, पहली मशीन का रिमेनिंग पार्ट बचा है, दूसरी मशीन पूरी बची है, तीसरी मशीन पूरी बची है। 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन 1 रिमेनिंग मशीन, RM लिख रहा हूँ, रिमेनिंग मशीन का डेप्रिसिएशन कितना निकाला मैंने, 10,000। इकतीस मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन 2 5000, क्योंकि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 की थी। 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन 3 इसके कितनी निकलेगी, 25,000 थी तो 2500। अब आप बैलेंस कैरी डाउन निकालना चाहो निकालो, वरना एक टोटलिंग करके भी बैलेंस कैरी डाउन निकाल सकते हैं। वन सिक्स वन सिक्स टू फाइव आपकी तसल्ली, वो आपकी ईजीनेस के लिए मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 1 + 2 + 3 तीनों के बैलेंसेस को रफ कॉलम में निकाल के प्लस करके एक आंसर लिख सकते हैं। वैसे मैं बता सकता हूँ कितना कितना आंसर आएगा, 70,000 तो पहली मशीन का है, दूसरी मशीन का 42 में 5000 गए तो कितने बचे, 37,500। ठीक है, इसका जब हमने सॉल्यूशन निकाला बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो 128,125 इज एन आंसर। ओके, डू इलस्ट्रेशन, वो क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर बुक, ये होमवर्क में है,
दैट्स इट फॉर माय साइड. थैंक यू एवरीवन.